बड़ी मुश्किल से हम एग्जाम देते हैं और फिर अटक जाता है उसका रिजल्ट। यूपी में भाई बहनों को इंतजार है लेखपाल भर्ती के रिजल्ट का, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम क्यों लग रहा है ये आप सभी को पता है, फिर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा और इसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर, मैं हूं आपका दोस्त नितेश। लेखपाल भर्ती 2022 की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उन भाई बहनों से जो विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई आप हमारे इस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, यहां पर आपको काफी सारे ऐसे जीके के की क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यहाँ फॉलो करने से आपको इनका डिटेल्स भी मिलेगा, आप इनमें से क्वेश्चंस फ्रेम भी कर पाएंगे और क्वेश्चन फ्रेम के साथ आपको ये काफी सारी क्विज भी मिल जाएगी। सबसे पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तीन क्वेश्चन कोर्ट में अटके पड़े हैं, तीनों क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कुछ उथल पुथल होती है या नहीं होती है वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल रिजल्ट इसी की वजह से अटका पड़ा है क्योंकि आयोग ने कॉपियां चेक कर ली है और रिजल्ट तैयार कर लिया है। अब वेट है तो केवल कोर्ट के आदेश का। अगर बाय द वे कोर्ट का आदेश नहीं भी आता है तो भी आयोग चाहे तो रिजल्ट जारी कर सकता है, रीजन वो उन तीनों क्वेश्चनों का विवाद अगर समाप्त कर दे तो। विवाद कैसे समाप्त होगा, इन तीनों क्वेश्चंस पर फुल मार्क्स दिए जाएं या तो, या फिर तीनों क्वेश्चंस को ही डिलीट कर दिया जाए, दो ही तरीके होते हैं। फुल मार्क्स वाली बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए फुल मार्क्स देता है तो कट ऑफ प्रभावित होगी। ऐसे में जो भाई इन तीनों क्वेश्चंस को कर चुके हैं, पहले वो तीनों क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, इससे पहले बात कर लेंगे रिजल्ट कब आ सकता है। तो रिजल्ट की आपको बता देता हूं कि रिजल्ट आपका जनवरी के लास्ट वीक में आने की पूरी पूरी संभावना है क्योंकि आयोग पूरी तरीके से पॉजिटिव है, दो चीजों को लेकर के, इस भर्ती को कंप्लीट कराने को लेकर के, दूसरा इस विवाद को समाप्त करते हुए जल्दी से रिजल्ट जारी करने को लेकर के। इसलिए इस भर्ती का रिजल्ट भी आएगा, भर्ती कैंसिल होने की संभावना बहुत कम है और इन तीन क्वेश्चंस का बोनस मार्क भी मिल सकता है। एनएच वाले क्वेश्चन की बात करें, यूपी में सबसे लंबा हाईवे एनएच कौन सा है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका विवादित है जिस पर मामला अटका हुआ है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन अटका हुआ है वो है उज्ज्वला योजना वाला, उज्ज्वला पर क्वेश्चन अटका हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आपका सोलर पंप वाला अटका हुआ है। ये तीनों क्वेश्चंस हैं। अब मान लीजिए किसी भाई ने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और उसके क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही है, तो ऐसे में उस भाई को कट ऑफ बढ़ने से भी लाभ नहीं मिलने वाला, यानी कि उसकी कट ऑफ सेम ही रहेगी। सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आयोग इनमें फुल मार्क देता है तो भी उसके नंबर तो जितने उतने ही रहेंगे। अब जिसने इन तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है उसके नंबर ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, और जिसने अटेम्प्ट किया है लेकिन उसके गलत आंसर थे उसके भी नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसे में जिस भाई ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और जिसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शन सही हैं वो थोड़ा नुकसान में जा सकता है। खैर ये एक अलग बात है, जो होगा वो आगे देखेंगे। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो यहां कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ यहां हम देखेंगे तो 70 से लेकर के 73 के आसपास तक जा सकती है। 70 से लेकर के 73 के आसपास आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलावा आ सकता है, और जस्ट हाफ एंड वन यानी कि 73 से 74 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं, 73 से 74 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, कट ऑफ इसकी 76 77 के आसपास जा सकती थी, लेकिन वो क्या रहा है कि काफी सारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और सरकार चाह रही है कि जितने भी एग्जाम थे जिनके रिजल्ट्स ड्यू थे, जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग थे, उनको उस भर्ती को ही क्लियर किया जाए। तो मैक्सिमम भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने मल्टीपल एग्जाम जो देते हैं, रेलवे का भी देते हैं, SSC का भी देते हैं, लेखपाल का भी देते हैं, टीचर भर्ती में भी काफी सारे भाई बहन बैठ जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे भाई बहन है जो लगातार मल्टीपल एग्जाम देते हैं। जिस प्रकार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, MCQ होते हैं, उसी प्रकार वो भाई बहन भी MCQ की तरह ही मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं। ठीक है, तो काफी सारे ऐसे भाई बहन है जो अदर एग्जाम्स में सेलेक्ट हुए हैं और फिलहाल ज्वाइनिंग उनकी शुरू हो गई है, तो वो वहां जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परसेंटेज थोड़ा सा कम आने की पूरी पूरी संभावना यहाँ बन जाती है। तो यही रीजन है कि अगर परसेंटेज कम जाएगी तो इसी प्रकार जाएगी। लेखपाल भर्ती 2022 कैंसिल नहीं होगी, रिजल्ट जनवरी के लास्ट तक आ सकता है,
तीनों क्वेश्चंस में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं तीनों क्वेश्चन और तीनों क्वेश्चन जिनके सही हैं उनकी मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए उनके मार्क्स बढ़ेंगे डेफिनेट। जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं और क्वेश्चंस गलत हैं उनके मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो इस कारण इस भर्ती में एक और वेरिएशन आने की पूरी संभावना है। तो ये अभी तक का एनालिटिक था जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए यूपी लेखपाल भर्ती 2022 को लेकर के। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजर में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।